स्वामी जी, मेरा नाम उमाकांत मित्तल है। जी मित्तल सर, मैं अपनी ओर से और अपने पूरे परिवार की ओर से आपको शत शत नमन करता हूँ। जी आशीर्वाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ स्वामी जी कि ये जो हमारा भारत देश है, ये हमेशा गीता, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबिल का देश रहा है, और हर एक चीज में यही दिखाया गया कि भाई हम सब एक है और हम सब शांतिपूर्ण रहने चाहिए। और हमारे इस देश में इतने सदुपदेश हो रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, फिर भी आजकल की जो कुछ जनता ऐसी है वो क्यों इधर उधर में हमारे देश के ऊपर हमला कर रही है, या कितने माए बहनों के हमारे सुहाग उजड़ रहे हैं, तो ऐसा उनकी बुद्धि पे इन सद्वचनों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? आपने जो कहा वो सही है। हमारा इंडिया में बहुत सा धर्म है, अलग अलग कल्चर है, लेकिन फिर भी इसमें सेंट बहुत आया है। गुरु हर धर्म में वो शांति की शिक्षा देता है, प्यार की शिक्षा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी बहुत जगह पे लड़ाई झगड़ा होता है, नफरत फैलाती है। इसकी दो वजह है। एक है, हर आदमी चाहता है कि मैं सबसे बड़ा धनवान बनूं, मैं लीडर बनूं, हर कोई मेरी पूजा करे। दूसरा है ड्रग माफिया। आदमी को मनी चाहिए, पैसा चाहिए, वो रास्ता कौन सा है कोई लेना देना नहीं है। हम सभी धर्मों को मानता है, लेकिन 90 से हमारे पास लेटर आता रहा कि आपको फिनिश करेगा, आप ड्रग मत छुड़वाओ। लिख के आया 1998 में कि आपने इतने अरब का, खरबों का घाटा हमें डलवा दिया है, क्योंकि आप जिसको मेथड ऑफ मेडिटेशन देते हो तो 100 में से 95 लोग ड्रग नहीं लेता, पूरी लाइफ छोड़ देता है। तो उन्होंने हम पे अटैक किया, आरडीएक्स 2 KG, हम जा रहे थे, अटैक किया। हम दूसरी गाड़ी में थे, उनको पता नहीं चला, दूसरी गाड़ी पे अटैक हो गया, रोड में इतना बड़ा गड्ढा चला गया, इंजन जो था वो 100 फीट ऊपर चला गया, पर भगवान की कृपा से उस गाड़ी में भी जो लोग बैठा था उनका चश्मा तक नहीं हिला, और क्या होना था। और उन्होंने हम पे केस किया, बहुत सारा केसेज किया कि किसी तरह इनको हटाना है, ये भगवान का नाम क्यों लेता है। तो ऐसे जो बैड लोग हैं उनकी वजह से हमारे देश में गुंडागर्दी या ये चीजें फैली हुई है। पर अगर संत ना आते, अगर हमारे देश में अगर अच्छा काम बताने वाले ना आते, तो जो लोग बचे हैं, आप जैसे जो अच्छे नेक, जो भी अच्छी के साथ देने वाले हैं, वो भी गुंडे बन गए होते, तो इस देश का क्या हाल होता, पता नहीं क्या होता। तो भगवान ने बचाया है, हम लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं किसी तरह से। आज यंग एज, हमने 5 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र दिया, जिसमें 70% यंग एज हैं, जो कि नौजवान है, तो वो बिल्कुल नहीं करते ये चीजें। तो आप सोचिए, सेंट की वजह से हमारे देश में अच्छे लोग हैं, अदरवाइज बीज नाश हो जाता। ये भगवान की कृपा आगे रहे ताकि सब लोग सद्बुद्धि आ जाए। ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಶ್ರೀ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಅದರ ಹೆಸರಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಂತರಾದವರು ಶಾಂತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಗುರುಗಳು ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 1990 1990 ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ ಅವರ ಮೇಲೆ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾದವರು ಆರ್ಡಿಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಚಾವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಅಡಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಕಂದಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಕಾರಿನ ಮಷಿನ್ 100 ಅಡಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಹಾರಿತಂತೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಟು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತ ಆದಂತವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೇಸು ಅದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನರಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.